हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल, यानी विंटर में मिलने वाली जितनी भी सब्जियां हैं उन सब को मिक्स करके आज हम यहां पर मस्त ड्राई वेजिटेबल बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आपको सारी विंटर स्पेशल सब्जियां काट करके रेडी रख लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सब्जियों को धो करके काट लिया है। और ये है आलू, ये है गाजर, ये है गोभी और ये है मटर। तो इन सब कलरफुल सब्जियों को मैंने काट करके रेडी रख लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये जो गोभी के नीचे जो डंठल होता है ना, ये पार्ट भी आप ज़रूर डालिएगा। ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये सब भी जो डंठल है, इसे भी छोटे छोटे आप कर करके इसमें मिक्स कीजिएगा। तो चलिए सब्जी पकाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सरसों तेल डालने के बाद वेट कीजिए कि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा क्रैकल करने के बाद इसमें हम डालेंगे दालचीनी, साथ ही साथ डाल देंगे थोड़े तेज पत्ता और अब डालेंगे चॉप्ड चिलीज। चॉप चिलीज डालने के बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड अनियन। इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ा भून लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपको वापस से अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पर आपको तब तक इसे भूनना है फ्रेंड्स, जब तक कि आपका जो अनियन है वो हल्का पिंकिश नहीं हो जाता। आपको इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम सब्जी डाल करके इसे फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जैसे ही हल्का पिंकिश हो जाता है, वैसे आप सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल दी है। अब आपको अच्छी तरह से इन सब सब्जियों को मिक्स कर लेना है उन मसालों के साथ, उन अनियन के साथ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर ढक करके पकाइए, फिर ढक्कन खोलिए और वापस से इन्हें भूनिए। इन्हें आपको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरह से भून नहीं जाते। इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे ये धीरे धीरे हल्का थोड़ा चिपकने लगा है जब ये अच्छी तरह से भून जाते हैं। तो अब इस स्टेज में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी और नमक को इन सब्जियों के साथ आपको अभी भूनना है। इन्हें ज़रा वापस से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मॉइस्चर लाने के लिए अब इस स्टेज में हम डालेंगे चॉप्ड टमाटोज। तो मैं चॉप्ड टमाटोज डालने के से पहले इसमें इस तरह से स्पेस बना ले रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से स्पेस बनाइए और उसके बाद इसमें चॉप्ड टमाटोज डालिए। चॉप टमाटोज के डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सेंटर के साइड में ले जाऊँगी और ऊपर से सारी सब्जियों को इसके ऊपर ढाक दूंगी। तो इससे क्या होगा कि नीचे की सतह जलेगी भी नहीं, सब्जियां मॉइस्ट भी हो जाएगी और वो मसालों में पकने भी लगेगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारी जो सब्जी है काफ़ी मॉइस्ट हो गई है। इजिली आप उसे टर्न कर पा रहे हैं, उसे चला पा रहे हैं और वो अच्छी तरह से और भी अभी भी भून रही है। तो इसी तरह ही आपको अपनी सब्जियों को पकाना है, ना कि आप जब देखें कि ये जल रहा है तो हम इसमें और एक्स्ट्रा ऑयल डाल दें। तो इसी तरह ही आपको इसे भूनते हुए पकाना है, ढक कर के पकाना है। और उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका जो आलू है वो पका है या नहीं, या गोभी है वो पका है या नहीं। अगर आलू कच्चे हैं तो आप उसे ढक कर थोड़ी देर और पका सकते हैं, या फिर जब आप देखें कि आलू भी पक चुका है, गोभी भी पक चुका है अच्छी तरह से, तब आप इसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। सब्जियों को इन मसालों के साथ वापस से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 या 3 मिनट के लिए ढक करके पका लेते हैं। तो वैसे तो ऑलरेडी सब्जी हमारी पक चुकी थी और अब इसे फिनिश करते हैं फ्रेश कटे हुए धनिया डालकर। तो तैयार है हमारा मिक्स्ड वेज विंटर स्पेशल सब्जी। ये नहीं बनाया विंटर में तो क्या बनाया,
बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसे सर्व करें तो इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें, या फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं दाल और राइस के साथ। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप भी इसे बनाएंगे, तो फटाफट से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस विंटर में और क्या स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर वीक मिलती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।